साहब, ये कल की घटना की जानकारी आपको होगी ही। राकेश जी को जिस तरीके से गोली मार दी गई, उसमें क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है? कब तक बिहार करेगा भाई? अब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है, जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, आज बिहारी मर रहा है और ये घूम रहे दिल्ली भ्रमण में निकले हुए, दर्शाता है भैया इनसे बिहार नहीं समझने वाला। और जब तक हम लोग मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं करेंगे, चैन से तो हम लोग भी नहीं बैठेंगे। भाई इन लोगों ने मजाक बना दिया कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दिल्ली भ्रमण की फुर्सत है, बिहार जल रहा है, बिहारी मर रहे हैं, यहाँ पर आकर देखने की फुर्सत नहीं है। चाहे किसी एक परिवार से मिलने, जितनी जगह हत्या हुई है, बड़े बड़े वादे ये करते हैं, कोई दलित भरेगा तो हम सरकारी नौकरी देंगे, क्यों नहीं जाते किसी के यहाँ? जाइएगा नहीं तो कैसे डर बैठेगा भाई अपराधियों में? कब तक बिहार करेगा भाई? अब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है, जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, आज बिहारी मर रहा है और ये घूम रहे दिल्ली भ्रमण में निकले हुए, दर्शाता है भैया इनसे बिहार नहीं समझने वाला। और जब तक हम लोग मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं करेंगे, चैन से तो हम लोग भी नहीं बैठेंगे। सही मायनों में अगर इन हत्याओं का अगर सही मायनों में अगर श्रद्धांजलि है ना, तो उनकी कुर्सी से हटना है। उनके संरक्षण में क्या कर रहे थे यहाँ के थाना के लोग, क्या कह रहे थे प्रशासन यहाँ का थाना का लोग? जो नहीं उसको जानकारी थी किस तरीके की साजिश रची जा रही है, दरवाजे पर आकर गोली मार के जा रहे हैं, और वो भी कितनी निडरता है कि दिन दहाड़े आके गोली मार रहा दरवाजे पर, ये भी नहीं कि रात के अंधेरे में छुप के सामने से आके पहुंच चुके गोली मार के जा रहा है। ये प्रशासन है इन लोगों का, जिस तरह से बाबा कि कह रहे बाबा साहब के आदर्शों को अपने पांव तले कुचलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं। इस दिन की कल्पना नहीं की थी डॉक्टर साहब ने, इस दिन की कल्पना के लिए बाबा साहब ने संविधान का निर्माण नहीं किया था कि ऐसे चुन चुन कर गोली मार दी जाए। इस दिन में और उस दिन में क्या फर्क है भैया? लक्ष्मणपुर भाते में भी तो ऐसे ही दलितों को चिन्हित करके गोली मार दी गई थी ना, एक के बाद एक कितने नरसंहार हुए थे, ये नरसंहार नहीं है? हाँ, अगर यहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, ये नरसंहार नहीं है भाई? हम लोग तो मांग करेंगे, हम तो लिख के भी देंगे कि सीबीआई की जांच हो, बिहार सरकार पे नहीं। अब शाम को देखो बता दें, शाम तक नहीं आएगा तो उनको दोबारा लेकर दोबारा रखते साहब चिराग पासवान बोल रहे हैं। हम आए हुए यहीं पे, कल जो हत्या हुई है राकेश जी की, उसमें क्या उसमें हुआ कुछ आगे? खाने पी के मुआवजा तो तुरंत भिजवाई दीजिए, पर जितने वो हैं जिन लोगों ने भी किया है
उनको पहले चिन्हित कर उनको जरूर सजा होनी चाहिए। मतलब इसकी बात कर हम लोग ऊपर भी हम लोग करेंगे, पर इस पे बस इतना सुनिश्चित कीजिएगा कि जो भी आयो हो या जो भी थाना इसको देख रहा हो उसमें कहीं कोई एविडेंस बायदाय नहीं जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इसको कीजिए। थाना में बंद कर लेते हैं सर, से बात कुछ लोग के सर थाना में बंद किए मजाइए। एसपी साहब, ये कल की घटना की जानकारी आपको होगी ही, राकेश जी को जिस तरीके से गोली मार दी गई उसमें क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है? थाना पर भी नजाई में 10 लड़का को रखे हुए, गांव के लड़का सर। आप प्लीज इसको वोट पॉन करके इस केस को जल्द से जल्द जो भी आरोपी हो, और एसपी साहब एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, कोई निर्दोष, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जबरदस्ती भी वहां पर थाने में पकड़ा गया है, उस पर आप अपने से इंटरव्यू करके देखिए कि कोई निर्दोष ना फंसे, पर कोई दोषी छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम आपके रेगुलर टच में रहेंगे, परिवार जो जो जानकारी हमें देता रहेगा हम भी आपके साथ साझा करेंगे। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिएगा, एक घटना हो गई है दोबारा कोई यार ऐसी घटना ना घटे।